हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपके साथ कॉफ़ी फ्लेवर वाले बर्थडे केक की एक बहुत ही आसान सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान है। ये इतना खूबसूरत सा केक हमने घर की ही मामूली सी चीज़ों से बनाया है और हमने इसकी फ्रॉस्टिंग भी घर की ही चीज़ों से तैयार की है। इसे बेक करने के लिए हमने कढ़ाई का यूज़ किया है और केक को मापने के लिए हमने सिंपल सी एक कटोरी का यूज़ किया है। खाने में इसका कोई जवाब नहीं है, इतना ज़्यादा टेस्टी है ये, और इसे देखकर कोई नहीं जान पाएगा ये मार्केट का नहीं है। तो इस टेस्टी केक की फुल रेसिपी जानने के लिए वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहें, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कर दें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो केक को बेहद ही खूबसूरत बनाने के लिए सबसे पहले हम उसकी फ्रॉस्टिंग तैयार करेंगे। तो हम यहाँ पर क्रीम का यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पर घर की बची हुई मलाई का यूज़ करेंगे। आपको लगता होगा मलाई से अच्छी फ्रॉस्टिंग नहीं बनेगी, तो मैं आपको बता दूं कि मलाई से हम बहुत ही ज़्यादा अच्छी और टेस्टी सी फ्रॉस्टिंग तैयार करेंगे, बिल्कुल मार्केट जैसी। तो मैंने यहाँ पे घर की ही इकट्ठा की हुई 2 बड़े चम्मच मलाई ले ली है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पाउडर शुगर। मैंने यहाँ पर नॉर्मल चीनी को मिक्सी में पीस कर लिया है। मलाई और चीनी लेने के बाद यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट काम है इसे अच्छे से फेंटना। तो यहाँ पे किसी भी मशीन का यूज़ नहीं करेंगे हम, सिंपल तरीके से हम यहाँ पे फ्रॉस्टिंग भी तैयार करेंगे। तो हाथों से ही बीट करेंगे इसे, हाथों से इतना बीट करेंगे लगातार हम कि ये बिल्कुल वाइट कलर का हो जाएगा। अभी ये येलो दिख रहा है बट ये बिल्कुल वाइट हो जाएगा। पहले के 1-2 मिनट में आपको लगेगा कि मलाई में से बटर अलग हो रहा है जब आप इसे फेंट रहे हैं, मगर घबराएं नहीं, आप लगातार फेंटते रहें, आप देखेंगे कुछ देर के बाद बिल्कुल वाइट हो जाएगा, फ्लफ़ी हो जाएगा। तो देखिए, लगभग 5 मिनट तक मैंने इसे लगातार फेंटा है और ये वाइट कलर का आपको दिख रहा होगा। कुछ देर के बाद और भी ज़्यादा ये फेंटते हुए फ्लफ़ी हो जाएगा। तो और 1 मिनट के बाद इस तरह का टेक्सचर इसका आ गया है, बहुत ज़्यादा थिक हो चुका है। तो इस टाइम पे हम इसमें 2 बड़े चम्मच और पाउडर शुगर ऐड कर देंगे इसमें, और फिर से इसे लगातार फेंटेंगे लगभग और 2 मिनट तक। शुगर मिलाने की वजह से ये फिर से थोड़ा सा पतला हो जाएगा, तो इसमें घबराएं नहीं, इसे कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दें, उसके बाद फेंटना स्टार्ट करें फिर से। तो जब भी फेंटते टाइम आपको लगे कि पतीला आपका थोड़ा सा गर्म हो रहा है तो आप इसे फ्रिज में रख दें और कुछ देर के बाद निकाल कर फिर से फेंटना स्टार्ट करें। इससे बहुत ही जल्दी से ये ठीक हो जाएगा, बिल्कुल क्रीम के जैसा। तो देखिए, बहुत अच्छा सा ये बिल्कुल व्हिपिंग क्रीम के जैसा थिक हो गया है। इसी तरह का टेक्सचर हमें चाहिए, तो ऐसा ही आपका भी क्रीम तैयार हो जाएगा। अब हम इसमें फ्लेवर के लिए डालेंगे 2 बड़े चम्मच कॉफ़ी पाउडर। आप यहाँ पे किसी भी ब्रांड का कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पे कॉफ़ी केक बना रहे हैं। अब इसे अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। तो मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच कॉफ़ी पाउडर ऐड कर दिया और अच्छे से मिक्स कर लिया। 1 चम्मच मैंने पहले ऐड किया, उसके बाद मैंने 2 चम्मच ऐड किया। अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल व्हिपिंग क्रीम के जैसी हो गई है, थिक भी है और बहुत ही टेस्टी भी। तो देखा गाइस, घर की मलाई से कितनी अच्छी फ्रॉस्टिंग तैयार हुई है। आप भी इसी तरह से बना सकते हैं आराम से फ्रॉस्टिंग। तो इसे अब हम फ्रिज में रख देंगे क्योंकि ये मलाई से बनी हुई है और गर्मी ज़्यादा है जिससे ये मेल्ट हो सकती है। जब तक कर लेते हैं आगे की तैयारी। अब यहाँ पे सारी मेजरमेंट मैंने एक ही कटोरी से ली है, तो ये जो कटोरी है उसी की माप मैंने रखी है सारी चीज़ों में। तो इसमें मैंने 1 कटोरी दूध ले लिया है और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 2 बड़े चम्मच कॉफ़ी पाउडर, क्योंकि केक बन रहा है कॉफ़ी फ्लेवर का। तो 2 बड़े चम्मच कॉफ़ी ऐड करने के बाद हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया, क्योंकि दूध हमने यहाँ पे ल्यूक वॉर्म लिया है, ठंडा दूध नहीं इस्तेमाल करें कॉफ़ी ऐड करने के टाइम में। अब हम इसे हल्का सा ठंडा कर लेंगे, यानी कि इसे रूम टेम्परेचर में ले आएंगे, उसके बाद केक बनाएंगे इससे। अब बैटर बनाने के लिए एक बाउल में छन्नी रख देंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे 1 कटोरी मैदा। तो इस केक की मेजरमेंट बहुत ही आसान है, सारी चीज़ों में मैंने 1 ही कटोरी का माप रखा है। तो इसी कटोरी से मैंने 1 कटोरी ले लिया है मैदा, उसे छान लेंगे पहले। आधा मैदा मैंने छान लिया है, आधा बचा हुआ है, इसी में हम ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर
और मैदे के साथ ही हम इसे छान लेंगे ताकि दोनों चीज़ें आपस में अच्छे से मिल जाएं। अब मैं उसी सेम कटोरी से लूँगी यहाँ पे 3/4 कप पाउडर शुगर। तो वही सेम कटोरी से मैंने सभी चीज़ों की माप रखी है और इसे भी छान लेंगे। तीनों चीज़ों को हमने छान लिया है, एक बार अच्छे से चम्मच से भी मिक्स कर लेते हैं। तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद जो हमने कॉफ़ी वाला मिल्क तैयार किया है यानी कि दूध, उसे इसमें ऐड करते जाएंगे और बैटर को तैयार कर लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। इतना दूध बिल्कुल काफ़ी है, बहुत ही परफेक्ट सा बैटर बनाने के लिए। तो यहाँ पे बैटर हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। तो चलिए इसे मोल्ड में शिफ्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मोल्ड को पहले तेल से ग्रीस कर लिया, फिर थोड़ा सा मैदा छिड़क करके अच्छे से कोट कर लिया है, जिससे कि केक हमारा इजली इससे निकल जाएगा, चिपकेगा नहीं इसमें। इस तरह से आप मोल्ड को तैयार कर लें। अब केक का जो सारा बैटर है उसे डाल देंगे मोल्ड में। शायद आपने इसमें एक चीज़ नोटिस नहीं किया है, ना तो हमने इसमें घी ऐड किया है, ना बटर ऐड किया है, ना ही हमने इसमें किसी भी तरह का तेल ऐड किया है। और फिर भी ये केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट तैयार होगा, बहुत ही स्पंजी। तो मोल्ड में पूरा बैटर डालने के बाद थोड़ा सा हाथों से टैप कर देंगे, जिससे कि एयर बबल्स इसमें से निकल जाए। अब मैं इसे कढ़ाई में बेक करूँगी, जिसमें मैंने नमक भी ऐड नहीं किया है, बस सिंपली इसमें एक स्टैंड रख दिया है और इसे प्री हीट कर लिया है ढककर। अब इसमें केक टिन रख देंगे सावधानी के साथ और जल्दी से इसका ढक्कन लगा देंगे, जिससे कि इसमें की सारी हीट निकल ना जाए। और अब हम इसे ऐसे ही बेक होने के लिए छोड़ देंगे लो फ्लेम पे लगभग 40 से 45 मिनट तक। लगभग 45 मिनट के बाद इसका ढक्कन हटा लेंगे और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा फूल चुका है हमारा केक। तो एक बार नाइफ से इस तरह से चेक कर लेंगे तो आप देख सकते हैं नाइफ बिल्कुल क्लीन निकली है, इट मीन्स ये अच्छे से अंदर तक पक चुका है। तो केक को इसमें से बाहर निकाल लेते हैं और अच्छे से ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम इसे डीमोल्ड करेंगे। तो आप देख सकते हैं गाइस कितना ज़्यादा सॉफ्ट है ये केक और कितना ज़्यादा स्पॉन्जी है, कितना ज़्यादा फूला है। तो सबसे पहले इसके साइड्स हम लूज़ कर लेंगे, तो नाइफ से इस तरह से घुमाएंगे। साइड्स लूज हो चुके हैं, अब इसके ऊपर एक प्लेट रख देंगे और इसे उल्टा कर लेंगे। अब इसके ऊपर से थोड़ा सा हाथों से इस तरह से टैप करेंगे तो आप देखेंगे कि इजली केक निकल जाएगा टिन में से। तो देख सकते हैं आप बिल्कुल टिन में ये नहीं चिपका है और बिना किसी बटर पेपर के ये बहुत ईजली से डिमोल्ड हो गया है। कितना सॉफ्ट है, कितना स्पॉन्जी तैयार हुआ है ये केक। इसे फिर से सीधा कर लेते हैं। कॉफ़ी फ्लेवर का ये केक खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है, आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। बट हम यहाँ पे बर्थडे केक बना रहे हैं, जिसके लिए हम इसकी फ्रॉस्टिंग करेंगे। तो इसके लिए इसे थोड़ा सा ट्रिम करेंगे हम ऊपर से, क्योंकि ये फूला हुआ गोल आकार का है ऊपर से, तो थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे। तो किसी भी नाइफ से आप इसकी टॉप लेयर थोड़ा सा ट्रिम कर लें। तो देखिए थोड़ा सा मैंने इसे ट्रिम कर लिया है इस तरह से। अब जो हमने मलाई से फ्रॉस्टिंग तैयार की थी उसे भी मैंने फिर से निकाल लिया है, इसे लगाएंगे केक के ऊपर। ध्यान रहे केक बिल्कुल ठंडा होना चाहिए जब हम इसे लगाएंगे। अब इसके ऊपर क्रीम को रख कर फैलाते जाएंगे, चारों तरफ इसे स्प्रेड कर लेंगे अच्छे से। बिना किसी टूल के हम इसे चम्मच और नाइफ की हेल्प से अच्छे से फैलाएंगे और चिकना कर लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे मार्केट जैसा केक घर में आसानी से मिलने वाली चीज़ों से और बहुत ही आसान तरीके से तैयार कर रहे हैं। तो इसी तरह से चारों तरफ केक के क्रीम लगा लेंगे।
तो देखिए मैंने क्रीम को केक के चारों तरफ अच्छे से लगा लिया है। अब जो साइड्स इसके गंदे हो गए हैं थोड़ा सा टिश्यू पेपर से क्लीन कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं गाइस कि मैंने इसके साइड्स क्लीन कर दिए हैं और इसे एक बड़े प्लेट में भी मैंने शिफ्ट कर दिया है। तो यहाँ पे हमारा केक बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो इसे थोड़ा सा और सजाने के लिए मैंने यहाँ पे 10 रुपये वाले डेरी मिल्क को ग्रेट करके लिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इस वाले स्टेप को स्किप कर सकते हैं, या फिर इसी क्रीम को आप एक पाइपिंग बैग में भर के उसी से डिज़ाइन बना सकते हैं। पाइपिंग बैग भी आप घर पे तैयार कर सकते हैं किसी भी पॉलीथीन से। तो देखिए मैंने इसके ऊपर डेरी मिल्क चॉकलेट को ग्रेट करके डाल दिया है जिससे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। अब मैं केक के साइड्स को सजाने के लिए यहाँ पे चोको बाइट्स का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये सभी के घरों में अक्सर होते हैं क्योंकि बच्चे इसे बहुत शौक़ से खाते हैं ब्रेकफास्ट में, तो ये सभी के घरों में होते हैं। तो इसी से मैं इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर दूँगी। तो ये देखिए मैंने केक को अच्छे से सजा दिया है और कितना ज़्यादा खूबसूरत ये केक दिख रहा है आप देख सकते हैं। ये कॉफ़ी वाला बर्थडे केक तैयार हो चुका है जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और देखने में कोई कह नहीं सकता कि ये मार्केट का नहीं है। तो चलिए मैं इसे आपको कट करके भी दिखा देती हूँ। देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, कितना स्पॉन्जी है, बहुत आसानी से कट रहा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो इस लॉकडाउन में है अगर आपका बर्थडे तो आप इस केक को बनाकर एंजॉय कर सकते हैं, बिल्कुल मार्केट जैसा केक घर पे बनाएं। और अगर आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को प्रेस कर लें जिससे कि आप आ सकेंगे मेरे हर न्यू अपलोड्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले। सो बाय गाइस, सी यू सून ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, थैंक यू सो मच।